हो गया। जय हिंद दोस्तों, पूरा निकलवा दिए, क्या बात है, बढ़िया कर दिए। हमने टेक्स्ट चैप्टर बोला था आपको, पढ़ के आए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में हिंदी मीडियम में कोई डाउट हो तो, देखो एक बच्चे ने लिखा है इंग्लिश हिंदी, हिंदी में, चलो ठीक है, बोलो एक बार नंबर। 17, 35, 38, 39, 47, 52, 55, 62। हाँ बल बस, चले पहले 1 से 10 तक में कोई क्वेश्चन हो। 9 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक महामंदी कब रही? हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट चैप्टर 34 to 44। नाइन नंबर, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व तो किसका है? तो अब ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का होता था, तो अब ये खत्म हो गया, आपने अब ये जीएसटी में मर्ज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 and 7 हिंदी में, 2 and 7 निम्नलिखित में से वह कौन सा कर है जिसकी भागीदारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ नहीं की जाती है? तो एक पॉइंट जान लो बस, आर्टिकल 279 में लिखा गया है कि कौन कौन से टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच बांटे जाएंगे, कौन से नहीं बांटे जाएंगे। इसको मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि जीएसटी आ गया तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो 279 में हमने लिखा है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, ये बढ़ता है, इनकम टैक्स ये बढ़ता है, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क ये बढ़ता था, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये पहले नहीं बढ़ता था लेकिन 2000 में एक अमेंडमेंट करके इसको बांटा जाने लगा। ये 4 टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच बांटे जाते हैं, बांटे जाते थे, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 58% और स्टेट गवर्नमेंट को 42% दिया जाता है। तो ये दोनों तो अब जीएसटी आने के बाद से खत्म हो गया, ये दोनों टैक्स आज भी उसी रेशियो में बांटे जाते हैं। तो अभी इस हिसाब से क्वेश्चन करना चाहें तो ये कवर हो सकता है, पहले हम पढ़ाते थे जब तक जीएसटी नहीं आया था। नोट करके एक पॉइंट यही लिखवाते थे कि सर्विस टैक्स ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट इट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 279। मतलब ऐसे क्वेश्चन कि वो कौन सा टैक्स है जो लिखा नहीं गया फिर भी सेंटर स्टेट के बीच बांटा जाता था या बांटा जाता है, तो ये सर्विस टैक्स हुआ करता था। तो अब जीएसटी के बाद ये क्वेश्चन ही खत्म हो गए। अब यदि आज के डेट में पूछा जाए कौन कौन सा टैक्स सेंटर स्टेट के बीच बांटा जा रहा है, तो एक्चुअली में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स बांटा जा रहा है, बाकी सारे जीएसटी की वजह से मर्ज हो गए। तो ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कर है जिसकी भागीदारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ नहीं की जाती है? तो देखो अभी ध्यान से, तो उत्पाद शुल्क बांटा जाता है ऑप्शन के हिसाब से, आयकर बांटा जाता है ऑप्शन के हिसाब से, और दूसरा है सीमा कर, ये भी बांटा जाता था, संपदा कर नहीं है कहीं, तो इसलिए वो आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। और 2 के बाद कौन सा पूछा है, 7, फिर वही क्वेश्चन,
केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो राज्यों को सौंपा नहीं जाता है? रेलवे, जलयान या वायुयान के द्वारा लिए गए माल यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़े और किराए पर, माल प्रेषण पर। अब देखो, मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस टैक्स नहीं बांटा जा रहा है, लेकिन रियल में बांटा जाता था। क्लियर है? तो ये तीनों तो बांटा जाता है, ये नहीं बांटा जाता, तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, सर्विस टैक्स। हालांकि ये क्वेश्चन अब काम का नहीं है जीएसटी लागू होने के बाद। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, 7 से 17 के बीच में आप लोग का कोई क्वेश्चन? एसी मेरे भाई चला लो यार, संदीप जी एसी चला दीजिए। कौन? हाँ, तुम काफी देर से बैठी हो, तुम्हारा भी पेशेंसी है और तुम्हारा लक भी है कि एक बच्चे के लिए भी टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है। चला दिए? हाँ, 17 तक कोई क्वेश्चन नहीं है? 17 सीधे। निम्नलिखित में से किसको राज्य सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली होना चाहिए टैक्स चैप्टर में, लेकिन इन्होंने यहां डाला है, कोई बात नहीं। सॉरी, टैक्स कह रहा हूं, बजट चैप्टर में। आगे चल के बजट में पढ़ाऊंगा मैं, जो बजट है वो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में बांटा जाता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में। तो राजस्व बजट में आता है टैक्स, राजस्व बजट में आता है फी, राजस्व बजट में आता है फाइन, राजस्व बजट में आता है इंटरेस्ट ब्याज, राजस्व बजट में आता है सरकार की कंपनी का प्रॉफिट, और कैपिटल बजट में आता है लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक अकाउंट फंड। तो अभी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ये बजट चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो कि कौन कौन सा वर्तमान में राजस्व में शामिल है। तो ये राजस्व बजट का पार्ट है और ये पूंजीगत बजट का। ये हम बच्चों हिंदी में 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, कर है ही, इनको कहते हैं नॉन टैक्स रिसीविंग, गैर कर राजस्व प्राप्ति, और ऋण लोन कहाँ जा रहा है? पब्लिक अकाउंट में। और चौथा ऑप्शन है ऋण का भुगतान। तो लोन लेना या देना दोनों कैपिटल बजट में आएगा। तो इसमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तब देखो, ये सी और डी दोनों होना चाहिए, ये गलत है, क्वेश्चन नहीं। इसका आंसर सी और डी दोनों होना चाहिए। हाँ, डी क्यों नहीं है, एक पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो, जो ऋण का भुगतान है वो प्राप्ति नहीं हो सकता, वो खर्चा है, और ऑप्शन ए कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो सी और डी में मान लो एक अटेम्प्ट करना हो तो सी करोगे, हालांकि दोनों आंसर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दोनों कैपिटल बजट का पार्ट है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गलत है, तो टाइपिंग मिस्टेक है या तो उन्होंने गलत क्वेश्चन ही बनाया हो। अगला कौन सा है 17 के बाद? 17 से 35 के बीच में आपका कोई डाउट हो? हाँ, कितना? 22। 17 के बाद सीधे 22, 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्या चक्कर आपके में तो है ही नहीं 22 मेरे भाई। 20 के बाद सीधे आ रहा है 37 नंबर। अच्छा, इधर है, ठीक है। 22, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है? तो ये कल हमने बताया था कि पहले ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था जब वैट लागू होता था। तो वैट लागू होने का मतलब था कि प्रोडक्शन से लेकर के कंजप्शन तक, उपभोग तक, जब जब वैल्यू ऐड होगा तब तब लगने वाले टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे, जिसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत 10 से 15 का कोई वस्तु हो गया, 15 से 22 का हो गया, तो जो जो वैल्यू ऐड हो रहा है उस पर लगने वाला टैक्स। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो,
22 नंबर क्वेश्चन, सेवाओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लागत का अंतर, ठीक है डी। ये पहले पढ़ाते थे जब जीएसटी नहीं था वैट, तब उसमें डिटेल डिस्कस करते थे। अब ये काम करने, अब क्यों पूछेंगे, अब तो खत्म होंगे। हाँ अगला बताइए। वो तो खत्म हो गया, अब तो जीएसटी जीएसटी इतना क्वेश्चन बन रहा है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकती है। तो हरियाणा बोल देना, हमारा हरियाणा। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन, 26। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, परंतु सारी की सारी आय राज्यों को दे दी जाती है? व्यय कर, उपहार कर, बिक्री कर के एवज में उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क। चलो आंसर तो दिया ही है, गलत है ये भी। नहीं वे, ये तो है सेंटर के। बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। और बताओ, और जल्दी से। 35 नंबर क्वेश्चन, आप लोग का बीच में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। 27 से 35, 35। किसी कर की उत्फुल्लता किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? टैक्स इवेजन, हाँ बता रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस, और इसका इंग्लिश होता है टैक्स टैक्स टैक्स, हाँ टैक्स बोयेंसी। तुम्हारे में भी होगा टैक्स बोयेंसी, देना तुम वो। मेरे भाई सबसे ज्यादा मेहनत यही कर रही है। हाँ मिला भैया, तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। कर उत्प्लावता या कर उत्फुल्लता है, ये कहता है कि जब भी किसी देश में ऐसे समझो, जब गवर्नमेंट टैक्स 10% लगा रही थी तो गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए आ रहा था, जैसे जैसे सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया तो गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन उसी रेशियो में क्या होने लगा बच्चों, बढ़ने लगा। लेकिन एक लेवल से ज्यादा बढ़ाएंगे तो लोग क्या करने लगेंगे, टैक्स चोरी करने लगेंगे, ये लोग काम करने से डिमोटिवेट होंगे। तो कितना टैक्स रेट बढ़ाया जाए, मतलब कितना तक बढ़ाया जाए कि कर के राजस्व में कमी ना आए, इसको निकालने के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, टैक्स बोयेंसी। मतलब जब 100 रुपये टैक्स था, या मान लो 5% टैक्स लग रहा था, तो सरकार के पास 100 रुपये आ रहा था, सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो सरकार ने इसको कर दिया 10%। अब सरकार के पास आया 180 रुपये, यानी जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते सरकार लेके आ गई 40% पे, तो लगभग 230 ही रुपये आया। लेकिन जैसे ही सरकार 60% पे आई तो देखा गया कि 210 ही रुपये आ रहा है। तो कितना बढ़ाया जाए कर का राजस्व कि टैक्स कलेक्शन में कमी ना आए, इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, टैक्स बायोन्सी। इससे ज़्यादा होगा तो टैक्स इविजन होने लगेगा, टैक्स इविजन का मतलब होता है कर चोरी, लोग कर की चोरी करने लगेंगे। तो आपसे क्या मतलब हुआ, टैक्स बायोन्सी क्या शो करता है?
तो टैक्स बॉयंसी गवर्नमेंट की बेटर पॉलिसी एग्जीक्यूशन को शो करता है, सरकार के बेहतर कर निर्माण नीति को साबित करता है। तुमको तो समझ नहीं आ रहा होगा ना, आ जाएगा। हाँ, अगला 35 के बाद 38। ये फायदा है, देखो जब पढ़ाते हैं तो सब समझ में आता है, जब क्वेश्चन करते हैं तब ये गेट समझ में आता है कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या। बुक बाइंडिंग क्या कहते हैं, तो या बुक बिल्डिंग किसे कहते हैं? तो सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए कई सारी पॉलिसीज लेकर आती है, उसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। तो कोई इन्होंने दिया है, आईपीओ जारी करने वाली कंपनी एडवांस में इसको, अब ऐसा करना, एक तो इस क्वेश्चन को काट देना, अब इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं। और मान लो ऐसा पढ़ना है तो शेयर मार्केट के चैप्टर का एक क्वेश्चन है, वहां पे देख लेंगे। चलो अगला बताओ, 39। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास होता है? अब देखो एक वर्ड आया है यहां पर, राजस्व नीति। राजस्व नीति को बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजस्व नीति को हम इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। जिसको हम सामान्य बोलचाल में बजट कहते हैं। क्लियर है? तो अब पूछना चाह रहे हैं कि बजट में मेनली हम किन चीजों पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो प्रत्यक्ष कर का राज्य कर राजस्व का अप्रत्यक्ष करों के राजस्व के साथ अनुपात। पहली क्लास यदि याद हो आपको तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स से देश में ज्यादा पैसा आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और हमने इसका कुछ पॉइंट सिखाया था कि डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आना हम सभी के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि जस्टिस करने का कार्य कर रहा है न्याय। जबकि हमने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा ज्यादा आए तो ये इनजस्टिस करेगा, अन्याय करेगा। तो फिस्कल पॉलिसी का यही काम है कि दोनों को बेहतर तरीके से बैलेंस करके बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ न्याय किया जा सके। अगला है 47। देखना देवेंद्र क्या कह रहा है लास्ट में। बच्चे तो दे तो रहे हैं ये पूरी बुक, वही क्वेश्चन एक बार में कर दिया आपको, डे वाइज तोड़ के दे रहे हैं। उसको लग रहा है कि ज्यादा कोई दूसरी बुक ले रखे। बच्चे आपके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये चीज दी गई है, आप खोल के देखें। अगला कौन सा है, 47। यथा मूल्य कर, हाँ ये एक अच्छा टॉपिक आ गया, ये सिखाना था, यही फायदा है जब डाउट लेंगे करेंगे। तो हमने कहा था टैक्सेस को, तुम्हारे में भी क्वेश्चन है, 43 नंबर पे है शायद, या लास्ट सबसे लास्ट में एड वोलरम टैक्स ढूंढो तो कहाँ है एड वोलरम टैक्स, एड वोलरम। एड वोलरम टैक्स हिंदी में कहते हैं मूल्यानुसार कर, और दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट कर।
एक पॉइंट लिख लो, टैक्सेस अगेन डिवाइड इन टू टाइप्स, करों को अन्य दो प्रकार से बांटते हैं। बच्चे पिंकी तुम भी लिख लो, अन्य दो प्रकार से भी बांटते हैं। देवेंद्र एक बार इसको YouTube पे करवा ही दो ये टॉपिक अभी वाला, और फिर आके बैठ जाओ। एड वोलरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, ये एसएससी ने कई बार पूछा है क्वेश्चन। एड वोलरम का सर हाँ विदाउट तो सब रिपोर्ट बन गया है, हाँ हमारे भी डाउट तो है। वही है, पढ़ने जब अच्छे से पढ़ाई जगह पढ़ेंगे तो डाउट लगभग वही आएगा। एक आध जो निकम्मा होगा सारे लाइन से पूछे, ये भी सॉरी ये भी बता दो प्लीज, तो अलग बात है। तो अपने साथ एक अच्छी बात क्या रहती है कि नकली बच्चा आता ही नहीं पूरे कॉन्सेप्ट में। देखो कोचिंगों में हम पढ़ा रहे हैं तो 200-250 का बैच रह रहे, लेकिन शायद 20 क्लास में एक आध दिन कोई क्वेश्चन पूछता हो शायद। क्या रोक दें, रोक लो कोई बात नहीं, मैं तो हम तो कैसे भी रह जाएंगे। अब थोड़ी बॉडी ऐसी हो गई ना कि मतलब सुविधा चाहती थी, तो पहले तो नहीं सर, बॉडी क्या क्या काम करेगी सर, चमड़ा थोड़ी की सर, बाहर भी तो गर्म रहना है। एड वोलरम इज अ लैटिन वर्ड, एड वोलरम लैटिन शब्द है, और लैटिन में इस वर्ड का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मूल्य के अनुसार लगाकर। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वस्तु के हिसाब से टैक्स लगता है या टोटल बिल पे टैक्स लगता है? रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाते हैं तो चावल का अलग टैक्स, रोटी का अलग टैक्स, टोटल ये टोटल 220 रुपए के लिए तो उस पर लगता है टोटल पे, तो क्या मतलब है वो आपके मूल्य के अनुसार लग रहा है नहीं? तो जीएसटी एक प्रकार का कैसा टैक्स है? एड वोलरम टैक्स है। नहीं हमने बोला था कि 500 रुपये तक का शर्ट खरीदेंगे, 1000 रुपये तक का शर्ट खरीदेंगे तो सिर्फ 5% जीएसटी, लेकिन जैसे ही 1000 रुपये से बढ़ते हैं तो जीएसटी उस पर 12% हो गया, तो वहाँ प्रोडक्ट नहीं हुआ, वहाँ वस्तु के कीमत के हिसाब से लगा। जो टैक्स अकॉर्डिंग टू वेट, जैसे कोयला खरीदते हैं तो टैक्स टोटल अमाउंट पे लगता है या पर क्विंटल लगता है? नहीं, पर क्विंटल लगेगा। जब आप पेट्रोल लेंगे तो टैक्स कैसे लगता है? लीटर के हिसाब से लगता है, पर लीटर लगता है नहीं? तो जो टैक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, साइज, डिस्टेंस, इस पे लगे वो सारा का सारा कौन सा टैक्स है? विशिष्ट कर है। और जो टैक्स मूल्य के अनुसार लगे वो सारा का सारा क्या है? एड वोलरम टैक्स है। तो अब आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हिंदी में तो बिल्कुल आसान है, सीधे हिंदी ही दे रहा है, यथा मूल्य के अनुसार लगने वाला कर क्या होता है? इंग्लिश में पूछा है वही सेम क्वेश्चन, एड वोलरम टैक्स मीन्स, इंग्लिश में 57 नंबर क्वेश्चन। चलो अगला टेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 52, 50 भी बताया जाए, 48 भी बताया जाए। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, राजकोषीय नीति कहा जाता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में बजट कहते हैं नहीं? तो बजट का मतलब ये कि सरकार के आय और व्यय की नीति को बजट कहते हैं, तो वही पूछ रहा है। बजट को ही सामान्य बोलचाल में हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। ये हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको। 50 समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होती है?
इसे लिखते हैं ना समानांतर, ठीक, पैरेलल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो बच्चों इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी होती है पैसे को लेन देन के हिसाब से देश को चलाना। अब पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन ब्लैक मनी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो काले धन पर बेस्ड हो, यानी काले धन को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन, कर चोरी। पैरेलल इकोनॉमी का समान मतलब है इकोनॉमी ऑफ ब्लैक मनी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां काला धन ज्यादा हो जाए, उसको हम पैरेलल इकोनॉमी, काला अर्थव्यवस्था या समानांतर अर्थव्यवस्था कह रहे होते हैं। अब देखो इस टैक्स इवेजन का हिंदी क्या है, कर अपवंचन। टैक्स इवेजन या कर अपवंचन या कर चोरी, देखो दो वर्ड हैं, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, कर में छूट, और एक होता है टैक्स इवेजन, कर में चोरी। जैसे मुझे सरकार ने कहा कि आप 1 लाख रुपए तक सेविंग करोगे तो आपको टैक्स में छूट रखूंगा, तो मैंने 1 लाख रुपए की सेविंग दिखा दी तो मुझे छूट मिल गया, और सर मुझे सरकार ने कहा कि 2.5 लाख रुपए तक कमाओगे तो टैक्स नहीं लेना होगा, देना होगा। अब मैं कमा रहा हूँ 4 लाख लेकिन दिखा रहा हूँ 2.5 लाख या 2 लाख, तो वो क्या कहलाएगी, टैक्स इवेजन, कर चोरी। तो टैक्स अवॉइडेंस इकोनॉमी में विकास करता है, कर चोरी काली अर्थव्यवस्था को, ब्लैक मनी को, पैरेलल इकोनॉमी को जनरेट करता है। अगला कौन सा है, 52 से पहले है कोई आप लोग, यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाने हो तो उसे किस प्रकार के वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए, पढ़ने का मतलब होता है वस्तु, हाँ अच्छा कर वाहता, कर वहन कौन, मैंने एक वर्ड यूज किया था आप लोग के साथ, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ने क्या दी थी, इंसिडेंस और पॉइंट और इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट को हिंदी में हमने क्या कहा था, कराघात, यस, और ये था करापात, तो ये वही वर्ड है, कराघात, यस, हाँ। टैक्स लगाने को कहते हैं करापात, और कराघात का मतलब होता है कर का भुगतान, वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो जो यहाँ वाहता लिखा गया है उसका मतलब है बहन कौन कर रहा है, मतलब पे कौन कर रहा है, तो कर वाहता को आप चाहो तो लिख सकते हो कराघात। इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, आपकी छुट्टी है क्या पहले क्लास, yes, तीसरी में, तीसरी ना, तो पहले दूसरी तीसरी क्लास लाइव क्लास ओपन ही है, तो फिर बाहर के बच्चे भी मतलब आपको कुछ पे या देख अनलॉक कराने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये तो मजा है आज के टाइम की टेक्नोलॉजी का। पहले हमसे कोई बच्चा पूछा हम गुस्सा आ जाते थे, पागल समझ रहे, अब बच्चा 3 बार बैक करके देखता है, देख बार बार देखूंगा ये, हाँ।
बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया हो गया। 52 के बाद कौन सा? अच्छा पहले 52 नंबर क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है कि यदि सरकार कर अधिक कलेक्ट करना चाहे तो उसको टैक्स कैसा कैसी वस्तुओं पर लगाना चाहिए? यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना हो, ज्यादा ज्यादा पैसे प्राप्त करने हो, तो उसे कैसी वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए? बच्चे देव अंदर देख रहे हैं और पीछे फिर दो दो क्वेश्चन कुछ आया है। नहीं पढ़ पा रहे नीचे वाला। अच्छा टैक्स ऑन प्रोफेशन, यस ये राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स था, अभी नहीं लग रहा है। प्रोफेशन टैक्स कहते थे, सीए के रूप में, डॉक्टर के रूप में, यदि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स को हम प्रोफेशन टैक्स। इट वॉज टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का ये प्रत्यक्ष कर हुआ करता था। मजे मतलब है। यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना हो तो ऐसे कैसी वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए बताओ? यस गुड। जो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे उस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। जैसे मैंने एक मजाक में आपको बोला था कि सरकार ब्लड डोनेशन पे भी 18% जीएसटी लगा रही है। यदि आप ब्लड खरीदेंगे हॉस्पिटल से तो सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया 18%। अब उसको इस लैंग्वेज में सीखूं, एक वर्ड है जिसका उच्च मांग लोच हो। अब इसको एक वर्ड कुछ सीख लो, आगे पढ़ाना भी है। लोच, इसकी इंग्लिश है इलास्टिसिटी। तो फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, रीगेन करने की कंडीशन। जैसे मैं इसमें दबाव लगाऊं तो ये चेंज होगा? नहीं। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या है? जीरो है। लेकिन मैं कोई रबड़ लेके दबाऊं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, तो उसको कहेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब है सिंपली चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ चेंज इन डिमांड। तो वो पहला ऑप्शन दे रहा है कि जिसकी इलास्टिसिटी रेंज अधिक हो, यानी जिसमें थोड़ा भी पैसा बढ़े या घटे तो लोग डिमांड कम या अधिक कर दें, तो ऐसी वस्तुओं को हाई इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इस पे लगाएंगे टैक्स ज़्यादा तो लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो टैक्स लेने का पर्पज़ ही नहीं पूरा होगा, कंजप्शन कम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है जिसकी सप्लाई लोच कम हो, मतलब जिसकी सप्लाई इन इलास्टिक हो, उसमें भी दिक्कत है, मतलब हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम कैसी वस्तुओं पर लगाएं जिसका चेंज इन इलास्टिसिटी लो हो, चाहे कितना भी प्राइस घटे या बढ़े लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाए। जैसे कौन सी वस्तुएं होंगी? मेडिसिन होंगी, दवाएं होंगी, नमक होंगी, खाने पीने की वस्तुएं होंगी, तो उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें। तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके उसको टिपिकल कर दिया, लो डिमांड इलास्टिसिटी, निम्न मांग लोच। चलो अगला है 52 के बाद 55, और बच्चे 53 भी पूछ रहे हैं। उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्यों के बीच अंतर किया जाता है यदि हमें पता हो। अब जैसे उत्पादन का मूल्य 50 हो और वर्धित मूल्य 60 हो, 10 हो, तो फाइनल मूल्य कितना है? तो बोल रहे हैं कि ये वाला कैसे पता चलेगा, तो ये और ये पता हो तो पता चल जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर होता है, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो ये वहां का, ये इसके आगे लिख लो,
नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय चैप्टर का है, क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर राष्ट्रीय आय के चैप्टर का प्रश्न है। और बच्चों 62 ये 62 में भी लिख लो, डिमांड सप्लाई चैप्टर का है, मांग और पूर्ति चैप्टर का। बच्चे देवेंद्र लास्ट कमेंट मोहित दोबारा पढ़ो आराम से। नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट व्हिच अराइज व्हेन द प्रोड्यूसिंग फर्म इटसेल्फ ओन एंड सप्लाई सर्टेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे मोहित क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कुछ जवाब दे रहे हैं है ना, हाँ किसी क्वेश्चन का तो हम लोग भूल गए किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आप। नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट होता है। अच्छा नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट, ओके चले। और आपका कोई क्वेश्चन 62 से 55 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ाया है आपको, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव डिग्रेसिव प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव डिग्रेसिव। हाँ नहीं कुछ तो क्वेश्चन का तो इंग्लिश में, अब जैसे इंग्लिश में हॉट मनी कहते हैं और उसको हिंदी में कहा था उत्प्रवाही द्रव्य, तो नहीं बता सकता व्यक्ति, एसएससी का क्वेश्चन है तो कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों जरूरी होता है। हाँ क्वेश्चन आगे पीछे है ना, दिक्कत ये। हाँ बोलो बच्चे 55 निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है, यानी ये भी नेशनल इनकम चैप्टर का ही है, कौन सा जो कॉरपोरेट सेक्टर, इसको नेशनल इनकम ही कर लो यार, एक ऐसा लाभ जो बांटा नहीं गया है तो बचत का उदाहरण होगा सेविंग का। और कोई क्वेश्चन बच्चों 62 बता दिया 72 67 भी करना है, वो 62 लिखा है, कोई बात नहीं 67 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 62 है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑक्ट्रॉय क्या है, ऑक्ट्रॉय हमने बता दिया था एक टैक्स है जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया था। यस खत्म हो गया ना वेट, हाँ सेंट्रल नहीं नहीं आप किस लिए, सेंट्रल वैल्यू टैक्स होता है सैंडवेट का फुल फॉर्म। इंग्लिश मीडियम में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कैनन ऑफ टैक्सेशन रट लो, ये पहले दिन जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन बच्चे ने किसी ने पूछा था, टैक्स लागू करने की पॉलिसी में कुछ पॉलिसी एडम स्मिथ ने दिए थे तो उसमें से कौन सा नहीं होता है। कैनन का मतलब होता है नहर, ग्रुप मैंने टैक्स पॉलिसी का कौन कौन सा नियम है या कौन कौन सा नहीं, टैक्स कैसा होना चाहिए ये कहना चाह रहे। यस अब वैल्यू एडेड निकालना है, यही वाला क्वेश्चन है, आउटपुट माइनस तो दोनों के बीच का वैल्यू एड कैसे, ये देखो बच्चे ने मोहित ने देवेंद्र और पूछा कोई क्वेश्चन। अच्छा इम्प्लिसिट कॉस्ट तो बच्चे हम पढ़ाएंगे आपको कॉस्ट चैप्टर में, वो कॉस्ट जो कंपनी अपने रिकॉर्ड में मेंशन ना कर सके, वो कॉस्ट जो कंपनी का एक तरीके से डूब जाए, ये पढ़ाएंगे आपको, छिपा है कॉस्ट दिखाई न दे, हो गया। इंग्लिश में और कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑनलाइन वालों किसी का इंग्लिश मीडियम का कोई क्वेश्चन हो डाउट हो बच्चे आपका इंग्लिश में, चलो ठीक। ऐसे पढ़ो तो फिर तो मज़ा ही आता है, जैसे जैसे टॉपिक टीचर पढ़ाते जाए और आप कवर करते चले जाएं फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा था इन्फ्लेशन रिपोर्ट, मुद्रास्फीति का रिपोर्ट,
हमने कहा था कि गरीब आदमी अपनी बचत को बनाए रखने के लिए अपनी मांग को कम कर देता है, तो इसको फोर्स सेविंग कहते हैं। गरीब आदमी 1 लीटर दूध लाता है, थोड़ा बहुत दही जमा लेता है, थोड़ा बहुत चाय बना लेता है, थोड़ा बहुत पानी मिला के, हाँ तो कंजप्शन कम करेगा, हाँ 4000 तो सेविंग करना ही करना है, तो अब खर्च, हाँ सेविंग प्लस कंजप्शन का मतलब है कंजप्शन को बनाए रखने के लिए सेविंग को कम कर दे, कंजप्शन को कम कर देना सेविंग को बनाए रखने के लिए। हमने कहा था कि इन्फ्लेशन का रिपोर्ट दो तरीके से आ रहा है, WPI मेथड से और दूसरा CPI मेथड से। जो लोग पहली बार हैं क्लास में उनके लिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं, हमने बताया था इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, इन्फ्लेशन का सॉल्यूशन क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है, और अब बात करें इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका क्या है। और हमने ये सिखा दिया था कि इन्फ्लेशन को देश के विकास के लिए कंपलसरी फैक्टर माना जाता है, इन्फ्लेशन कंपलसरी है। हाँ पहले लिखो WPI, WPI का फुल फॉर्म होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। बच्चे देवेंद्र एक बार और देख लीजिए, मोहित बच्चे ने कुछ और डाला है, खुदरा मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक। चलो ठीक, अब हम क्या करें एक ही बार इंग्लिश का और हिंदी का साथ ही निकलवा देंगे, सारे चैप्टर का डाल देंगे। हाँ तो हमने कहा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। देखो एज अ पब्लिक मैं और आप जो वस्तुएं खरीदते हैं वो कहाँ से खरीद के लाते हैं, रिटेल मार्केट से, खुदरा बाजार से, और रिटेलर अपनी वस्तुओं को कहाँ से लाता है, थोक बाजार से, होलसेल मार्केट से। तो जब सरकार अपना रिपोर्ट होलसेल प्राइस को बेस बना करके दे तो उसको कहेंगे WPI, जब सरकार अपना रिपोर्ट रिटेल मार्केट को बेस बना करके दे तो उसको कहेंगे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो चलो पहला लिखो WPI बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस, WPI थोक मूल्य पर आधारित है, WPI बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस थोक मूल्य पर आधारित है। पर गूगल चला के देना है अपना मोबाइल। अब हमने कहा कि थोक मूल्य पर आधारित है, तो क्या हम कितनी भी चला के गूगल ऑन करके दीजिए कितनी भी वस्तुओं को शामिल कर लेंगे क्या, मतलब क्या मोबाइल के रेट के बढ़ने से महंगाई पे फर्क पड़ता होगा क्या, गैस सिलेंडर के रेट के बढ़ने से महंगाई पे फर्क पड़ता होगा क्या, पड़ता होगा, लेकिन मोबाइल रिचार्ज के उससे फर्क पड़ता होगा क्या, नहीं, यानी कुछ लिमिटेड जरूरत की चीजों को ही शामिल किया गया होगा। तो लिखो WPI इंक्लूडेड मोबाइल चलता ही नहीं, तुमको पहले मोबाइल दिलवाना है।
नेट नहीं चलता है। हाँ डब्ल्यू पी आई इंक्लूडेड 697 कमोडिटी, डब्ल्यू पी आई में 697 वस्तुएं शामिल हैं, 697 कमोडिटी, 697 वस्तुएं शामिल हैं। ये पहले 676 थी, लास्ट ईयर बढ़ा दिया गया है ना, तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कितनी वस्तुएं हैं, तो 697। अगला लिखो, डब्ल्यू पी आई रिप्रेजेंटेड बाई सी एस ओ, डब्ल्यू पी आई सी एस ओ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सी एस ओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। या आगे हम जब नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे सीएसओ के बारे में। अब क्वेश्चन होता है कि इन्फ्लेशन का रिपोर्ट कितने कितने दिनों पे आता है, तो लिखो डब्ल्यू पी आई रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड, डब्ल्यू पी आई प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाता है। ब्रैकेट में लिखो 13th और 14th डे ऑफ मंथ, महीने की 13 या 14 तारीख को, 13th और 14th डे ऑफ मंथ, महीने की 13 या 14 तारीख को। 13 को यदि संडे हो गया तो 14 को नहीं तो 13 तारीख को आ जाता है। जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो आप देखा करो परसेंटेज में आता है, कितना परसेंट महंगाई बढ़ गया, इतना परसेंट महंगाई कम हो गया, तो उसका मतलब क्या है, किसी डेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस डेट से कंपेयर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बेस ईयर, आधार वर्ष। तो क्वेश्चन आता है डब्ल्यू पी आई का आधार वर्ष क्या है, तो लिखो बेस ईयर ऑफ डब्ल्यू पी आई, डब्ल्यू पी आई का आधार वर्ष 2011-12 है, बेस ईयर ऑफ डब्ल्यू पी आई इज 2011-12 2011-12। अगला कितने साल में प्रस्तुत किया जाता है, क्या कितने साल में प्रस्तुत, 11-12 अब तक कितने बेस ईयर आए हैं, 1950-51 60-61 70-71 80-81 1993-94 2004-05 और 11-12। तो देख लो कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या, नहीं तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपने नहीं लगाना है कितने दिन में, लेकिन ये पक्का है कि बेस ईयर वो ईयर होगा जो नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है, जिसमें, अरे नहीं भाई रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, लीप ईयर नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल ईयर का मतलब है जिस साल चुनाव ना हुआ, जिस साल कोई नेचुरल डिजास्टर ना आया हो, हाँ जिस साल कोई वार ना हुआ हो, यानी एक सामान्य वर्ष, जिसमें आपका टैलेंट मापो जिस दिन आप बीमार हैं, जिस दिन बिजली नहीं तो वो सही टैलेंट मापन नहीं हुआ, एक सामान्य सिचुएशन में मापा जाए। तो अभी 2011-12 बेस ईयर लाइन, और कितने दिन पे आता है, कितनी वस्तुएं शामिल हैं, कौन है, कौन लाता है, ये सारी बात बता दी है ना। अब आ जाओ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा मूल्य सूचकांक, सीपीआई बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस, सीपीआई खुदरा मूल्य पर आधारित है, बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस खुदरा मूल्य पर आधारित है।
अगला सीपीआई ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड, सीपीआई भी प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाता है, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाता है। आप संदीप इन्फ्लेशन का क्वेश्चन मांग के अभी अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि खत्म होने वाला है इन्फ्लेशन। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड, ब्रैकेट में लिखो 13th और 14th डे ऑफ मंथ, महीने की 13 या 14 तारीख को, यानी सेम डे आता है 13th या 14th डे ऑफ मंथ, महीने की 13 या 14 तारीख को। सीपीआई रिप्रेजेंटेड बाई लेबर ब्यूरो, सीपीआई श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये पहले आईएएस में है और अभी एसएससी में है। कौन प्रस्तुत करता है? लेबर ब्यूरो। श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेबर ब्यूरो इज अ पार्ट ऑफ लेबर मिनिस्ट्री, श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। लेबर ब्यूरो इज अ पार्ट ऑफ लेबर मिनिस्ट्री, श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। इज अ पार्ट ऑफ लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय का अंग है। सीपीआई रिप्रेजेंटेड ऑन टू grounds, सीपीआई फॉर रूरल सेक्टर, सीपीआई फॉर अर्बन सेक्टर। सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंटेड फॉर रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर सेपरेटली। सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? अब अलग अलग कैसे प्रस्तुत करते हैं तो लिखो सीपीआई फॉर रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र के सीपीआई में कुल 448 वस्तुएं शामिल हैं। सीपीआई फॉर रूरल सेक्टर इंक्लूडेड 448 कमोडिटी, कुल 448 वस्तुएं शामिल हैं। एंड फॉर अर्बन सेक्टर, शहरी क्षेत्र के लिए 460 वस्तुएं शामिल हैं। और रूरल सेक्टर के लिए 448, 448। अब बच्चों जब भी सीपीआई आए या डब्ल्यूपीआई आए तो हमारे काम का पॉइंट है कि इसका जब बेस ईयर है तो इसका भी बेस ईयर होगा। तो लिखो बेस ईयर ऑफ सीपीआई, सीपीआई का आधार वर्ष, बेस ईयर ऑफ सीपीआई, सीपीआई का आधार वर्ष इज 2012। ध्यान से देखो उन्होंने क्या कहा था, 11 बार, उन्होंने क्या कहा 12। 12 का मतलब क्या है, 11 12 का मतलब क्या, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 ये था 11 12 10 9 ये सब का मतलब होता है अप्रैल से मार्च तक। इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया लेबर ब्यूरो ने, नहीं हम जनवरी से दिसंबर के बीच कैलकुलेट करेंगे ताकि आम आदमी को भी समझ में आएगा। जैसे भी आप जानते होंगे अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो इसको चेंज करके अब हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने जा रहे हैं। एमपी देश का पहला राज्य हो गया जिसने 1 जनवरी से 31 मार्च कर दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ कारण है, क्योंकि हमारे वहाँ मानसून का टाइमिंग अलग है, तो हम अप्रैल से मार्च वाला लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर चेंज हो जाए। तो हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि नहीं, अब पूरे देश को हम जनवरी से दिसंबर वाले कॉन्सेप्ट पे लाएंगे। तो ये तो वह बेसिक सा सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या है। अब सोच के बताओ सरकार के लिए कौन सा डाटा कलेक्ट करना इजी होगा, डब्ल्यूपीआई या सीपीआई? डब्ल्यूपीआई, क्योंकि सीपीआई का मतलब क्या है कि नेहरू विहार में कुछ और, मुखर्जी नगर में कुछ और, पटना के छोटे शहर में कुछ और, इलाहाबाद के बड़े शहर में कुछ और,
इलाहाबाद के किसी गांव में अलग, यूपी के हरियाणा के किसी गांव में अलग, लेकिन WPI निकालेंगे तो सोनीपत के एक जिले में अलग, पटना के एक जिले में अलग, इलाहाबाद के एक जिले में अलग, मणिपुर के एक जिले में अलग, और उन सबको कैलकुलेट करेंगे तो वो आसान है। CPI हर मोहल्ले में कैलकुलेट करना होगा। तो अभी तक सरकारें क्या करती थी, जो भी रिपोर्ट देती थी WPI के आधार पर देती थी। तो सरकार जो भी पॉलिसी बनाती थी WPI, मान लो हमें पता चला कि महंगाई 5% बढ़ गया, तो मैं थोक में बढ़ा 5%, तो हम तक आप तक आते आते कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। क्यों, मीडिएटर्स हैं, थोड़ा समय बढ़ता है, सब धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अभी तक सरकारें अपना जो कार्यक्रम बनाती थी WPI के आधार पर, लेकिन अब पिछली सरकार जाते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम जो भी कार्यक्रम बनाएंगे इसके आधार पर, CPI के। तो अभी हमारे काम का क्वेश्चन है, तो लिखो एक पॉइंट। प्रेजेंटली इन्फ्लेशन रिपोर्ट, वर्तमान में मुद्रा स्फीति का रिपोर्ट, मेनली बेस्ड ऑन, मुद्रास्फीति का रिपोर्ट मुख्यतः CPI पर आधारित है, मेनली बेस्ड ऑन CPI, CPI पर आधारित है। क्लियर है? अब सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, पॉलिसी बना रही है, सारा का सारा किस पर, CPI पर। तो एक छोटा सा चैप्टर था अपना, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे है, ये सारा कुछ हमने बता दिया। तो इतने से लगभग हमारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब क्वेश्चन करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब इसलिए जो पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया। तब तक बच्चों हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए, टैक्स, मार्केट और इन्फ्लेशन। अगली क्लास में फिर आप मार्केट का क्वेश्चन लेंगे, है ना। अब एक अच्छा सा आसान सा चैप्टर शुरू करते हैं, मज़ा आएगा इसमें आपको, बैंक। हाँ उसको छोड़ देना, और दोनों हैं आपके में नहीं होगा, ये रेलवे वालों के लिए बना था, तो रेलवे वालों को हम ये मार्केट नहीं पढ़ाते, आपको दूसरा PDF मिलेगा। कोई बात, ये भी तो काम है, वो एक्स्ट्रा चैप्टर है, हाँ अभी हैं 17 चैप्टर है, आपने तो 7 ही निकाले हैं, 8 निकाले हैं। हाँ जो भी रिपोर्ट आएगा सबका बेस ईयर होगा, यही बेस ईयर है 11-12, पहले 4-5 था, 11-12 होगा। किसके दे देंगे अभी सॉफ्ट कॉपी, फिर भेज देंगे। हाँ, विश्व का, सॉरी भारत का पहला बैंक कौन सा है? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, या ओल्डेस्ट बैंक ऑफ, नहीं, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक। यस, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलो इससे पहले 2-3 बातें सीख लेते हैं। बैंक वर्ड का मीनिंग कैसे ओरिजिन हुआ, इस बात को लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट है। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि बैंक बेंच वर्ड से बना है, जहाँ पर व्यापारी एक साथ आमने सामने बैठ करके एक दूसरे की मदद के लिए काम करते थे, तो वहाँ से बैंक वर्ड ओरिजिन हुआ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो हम उस पर ना जाकर हम सिंपली सीखते हैं बैंक होता क्या है। तो बैंक बच्चों वो होता है जो लोन देता भी है और लोन लेता भी है, यानी जो डेबिट का भी काम करे, क्रेडिट का भी काम करे। यदि मैं सिर्फ आपको पैसे दे रहा हूँ तो मैं बैंक नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, वित्तीय संस्थान है। मैं सिर्फ पैसे ले रहा हूँ तो मैं बैंक नहीं हूँ। आपने आजकल सुना होगा PayTM बैंक, एयरटेल बैंक, वोडाफोन बैंक, वो क्या है, वो स्मॉल बैंक कहे जा रहे हैं, या पेमेंट, सॉरी स्मॉल बैंक गलत होगा, पेमेंट बैंक कह रहे हैं, मतलब वो बैंक नहीं है, छोटा सा बैंक का एक काम कर रहे हैं। क्या आपसे पैसा लेकर के पैसे को रख रहे हैं और जहाँ आपको खर्च करना है आप कर लीजिए, लेकिन क्या PayTM क्रेडिट कार्ड दे सकता है? तो जवाब है नहीं। क्या PayTM लोन दे सकता है? जवाब है नहीं। जिस दिन वो ये दोनों काम करने लगेगा, लोन देने भी लगे, अभी ले तो रहा है, अभी आप सुना होगा कि 1 लाख से ज़्यादा तक आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की है, उससे ज़्यादा में आपका लेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन वो दोनों काम करेंगे और लिमिट ये ख़त्म हो जाएगा, तो उस दिन वो क्या कहलाने लगेंगे? बैंक। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डेबिट और क्रेडिट दोनों काम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक। लेना भी और देने का भी काम। अब आते हैं फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 इन कोलकाता, कोलकाता में, बाई
अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। तो बच्चों क्या आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान मिला कहीं? तो जवाब है नहीं। तो हमने कहा बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो पॉइंट ये है कि अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान काम नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कार्य करने वाला सबसे पुराना बैंक, तो लिखो प्रेजेंट वर्किंग ओल्डेस्ट बैंक, वर्तमान में कार्य करने वाला सबसे पुराना बैंक, प्रेजेंट वर्किंग ओल्डेस्ट बैंक। बताओगे इस समय काम करने वाला सबसे पुराना बैंक भारत का? तो लिखें अलाहाबाद बैंक, इन 1865। तो ये पूछा जाए कि ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है और ये पूछा जाए कि सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग होगा। अलाहाबाद बैंक 1865। तो बच्चों अलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, फिर भी नाम अलाहाबाद है। तो लिखें हेड ऑफिस ऑफ अलाहाबाद बैंक इज कोलकाता, अलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। अब है कि ये दोनों के दोनों बैंक किसने शुरू किए थे? ब्रिटिशर्स ने। तो क्वेश्चन था भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया पहला बैंक, तो लिखो फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेटेड बैंक, पहला भारतीय सहभागी बैंक, फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेटेड बैंक, पहला भारतीय सहभागी बैंक। बताओगे आप लोग? ना। तो लिखे अवध कमर्शियल बैंक, या OUDH, अवध, ओध कमर्शियल बैंक, 1881, 1881। इसमें कुछ पैसा भारतीयों का लगा था और कुछ पैसा ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, पहला पूर्ण भारतीय बैंक जिसमें सारा का सारा पैसा भारतीयों ने लगाया था, फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, पहला पूर्ण भारतीय बैंक। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, बताएंगे? अब तो सर वही एक ही बच गया। हाँ लिख लेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो सबको पता है ना। अच्छा अच्छा ठीक, क्या नाम है? कमल पांडे। और कमल और विपिन ये बताओ कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था ये? बाकी क्वेश्चन तो आपके सही आ रहे हैं जवाब। कहाँ एस्टेब्लिश किए थे PNB को, आप लोग बता सकते हैं? ऑप्शन देख के बता देंगे, दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब। तो लिख लेंगे इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, इसकी स्थापना, सॉरी इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर पाकिस्तान, इसकी स्थापना लाहौर पाकिस्तान में की गई थी, लाहौर पाकिस्तान। कमल के तो सारे क्वेश्चन जवाब सही आ रहे हैं।
बिपिनर दोनों के। अच्छा, बट प्रेजेंट हेड ऑफिस, परंतु वर्तमान मुख्यालय, प्रेजेंट हेड ऑफिस वर्तमान मुख्यालय इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्लियर है? तो ये तो हुआ कि कब बनाया गया और किसने बनाया, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सब आपको पता था। सीधे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार। पहला सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, तीसरा इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक, अगला एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक, अगला पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, अगला मिनी बैंक, लघु बैंक। ये पांच छह तरीके से बैंक को हम डिस्कस करेंगे। पहला लिखिए सेंट्रल बैंक। अच्छा, बैंक को एक तरीके से और भी बांट सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक, और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। तो बच्चों आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से पहले ये लिख लो एक बार नोट करके, फिर वापस आएंगे। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। आप संदीप इकोनॉमिक्स की क्लास का टाइमिंग भी बदल दो यार, आपने साथ 6 बजे लिखा हुआ है उस पर, 6:30 कर दो उसको। नहीं नहीं नहीं, 6:30 से 8 करना। अच्छा, बैंक शेड्यूल बैंक में लिखो, बैंक विच इज रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के, बैंक विच इज रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत दूसरे अनुसूची में पंजीकृत हैं, दूसरे अनुसूची में पंजीकृत हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरे अनुसूची में पंजीकृत हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 दूसरे अनुसूची में पंजीकृत है। अगला लिखो। अच्छा, मैं और आप कैसे पहचानेंगे कौन सा बैंक शेड्यूल है कौन सा नहीं है? तो जिस बैंक का चेक दूसरा बैंक एक्सेप्ट कर ले, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा, पांचवे का छठा,
छठे का पहला दूसरा ऐसे आपस में वो सारे के सारे बैंक शेड्यूल है। जैसे ऐसे समझो एक्सिस बैंक वाले ने बैंक ऑफ बड़ौदा को चेक दिया तो चेक एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने केनरा बैंक को एक्सेप्ट करेगा? केनरा बैंक ने देना बैंक को, देना बैंक ने एक्जिम बैंक को, एक्जिम बैंक ने फेडरल बैंक को। तो मार्केट के अलावा जितने बड़े बैंक है वो सारे के सारे कैसे हैं? शेड्यूल बैंक। कोई गली में कोई छोटा मोटा मम्मी पापा टाइप भाई बहन बैंक इस तरीके का कोई छोटा मोटा बैंक खुल जाए जिसका कोई लॉजिक नहीं है वो सारा का सारा कैसा? नॉन शेड्यूल। तो ये लगभग नहीं के बराबर है। तो लिखो बैंक विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI वे बैंक जो RBI के दूसरे अनुसूची में पंजीकृत नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI आर नोन एज नॉन शेड्यूल बैंक, दूसरे अनुसूची में पंजीकृत नहीं गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। चलो अब तुरंत आ जाओ वापस सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक पर। तो क्या होता है सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो लिखो बैंक ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, वे बैंक जो सरकार के लिए काम करते हैं केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। बैंक ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, सरकार के लिए कार्य करते हैं केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। बैंक ऑफ गवर्नमेंट यानी जिसका काम पब्लिक डीलिंग करना ना हो, जहां गवर्नमेंट ही ब्रांच को अकाउंट खोल सकती हो, जो सरकार के लिए ही काम करता हो। तो विश्व के सभी बैंक देश अपने लिए एक सेंट्रल बैंक बनाते हैं। तो विश्व का कौन सा देश है जिसके पास सेंट्रल बैंक नहीं है? तो ऐसा कोई देश नहीं है। तो विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक किस देश का है? तो लिखो फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक। बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंडियन सेंट्रल बैंक इज RBI, भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। भारतीय केंद्रीय बैंक RBI और हेडिंग डालो RBI। RBI का फुल फॉर्म क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया हो गया जैसे मोदी जी हैं, सही बात है नहीं? चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, 1 अप्रैल 1935, बाई RBI एक्ट 1934, RBI अधिनियम 1934 के द्वारा। तो एक्ट आया था 34 में और इस्टेब्लिश हुआ 35 में। अगला इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई, इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। बट प्रेजेंट हेड ऑफिस इज मुंबई, परंतु वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। प्रेजेंट हेड ऑफिस इज मुंबई, वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम 1937 से। RBI की स्थापना कितने पैसे की गई थी?
और भैया कितने रुपए शुरू किया गया था? चलो लिखो, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से की गई थी। कैपिटल ऑफ 5 करोड़। पांच लाख लिखा है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 0 0 बढ़ा दे, 5 करोड़ आया ना। तो बेसिकली हुआ था कि 100 रुपये के शेयर थे और शेयरों की संख्या थी 5 लाख। तो ये पब्लिकली शेयर को सेल किया गया था, तो एक तरीके से मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 5 करोड़। क्लियर है? तो इतना टिपिकल तो नहीं पूछेंगे, बाकी हमने बता दिया आपको। अब है आरबीआई एस्टैब्लिश हो गया 35 में और इसका लॉ बन गया था 34 में। अब आता आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का सजेशन किसने दिया था? तो लिख लोगे, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई। बाय सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर की गई। अगला है, आरबीआई कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, कितने पैसे से और किसके रिकमेंडेशन से? आरबीआई के हेड को क्या कहते हैं हम? गवर्नर। तो लिखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ था, लेकिन ये क्या था? अंग्रेज था, नहीं? तो पहला इंडियन गवर्नर, तो ये थे सी डी देशमुख। ये तीसरे गवर्नर थे एग्जैक्टली, ये जो बने थे 1943 में और 48 तक रहे थे। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है कि आज़ादी के समय देश का आरबीआई का गवर्नर कौन था? सी डी देशमुख। और यही क्वेश्चन बदल दें, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पहल वर्तमान गवर्नर बताओ। इसमें भी ऑप्शन की जरूरत पड़ गई बच्चे। शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 25वें, 25th। पहले आरबीआई अंग्रेजों कंट्रोल में थी, बाद में भारतीयों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो जब कोई सरकार किसी संस्था को अपने कंट्रोल में करती है तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो लिखो, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949। इसका जो लॉ आया था वो आया था 48 में, लिख लो भाई, नेशनलाइजेशन एक्ट 1948। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1948 के द्वारा
बाइनेंस लाइसेंस एक्ट 1948। पहले चार थे, अब पांच कर दिए। इनका कार्यकाल 5 साल होता है, 3 साल और 2 साल, 3 साल बाद रिव्यू कर सकते हैं। टोटल 20 लोगों की कमेटी है, जिसमें एक ये चार